महकमा एंटी करप्शन की तरफ से खानकाह हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे एहतमाम महकमा औकाफ हुकूमत पंजाब मौजा कोटला सैद खान में 13 एकड़ 7 कनाल 10 मरले काबजीन से वागजार कराने के बाद फसल काश्ता सईद अहमद कलारा गुलाम मुस्तफ़ा नंबरदार के हवाले की गई। इस कार्रवाई में असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन राजनपुर मुजाहिद हुसैन, सर्कल ऑफिसर मलिक गुलाम असगर और दीगर नफरी के अलावा महकमा माल के तहसीलदार राजनपुर शेख मोहम्मद असगर, गिरदावर हल्का गौस बख्श और पटवारी मोहम्मद आसिफ के अलावा मकामी पुलिस भी मौजूद थी, जिनकी मदद से नाजायज काबिजीन गुलाम सरवर वल्द महमूद खान शमला वल्द गोदे खान से रकबा वागजार कराया गया। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल इंचार्ज की तरफ से महकमा औकाफ के क्लर्क और गुलाम मुस्तफा खान को यह हिदायत जारी की गई कि वागजार शुदा रकबे पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और फसल काश्ता की देखभाल के बाद तमाम आमदनी से अखराजात नफी करके आमदनी दाखिल खजाना सरकार कराई जाए। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर थे, वीओटी न्यूज़ राजनपुर।